उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएम योगी ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूं। हालांकि उन्होंने पहले ही खुद को आइसोलेट कर लिया था और जाहिर है टेस्ट रिजल्ट रिपोर्ट आने में वक्त लगा, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है कि वो पॉजिटिव हैं। और अगली खबर की तरफ रुख करने से पहले आपको एक बार फिर से बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें जब से ऐसा अंदेशा हुआ था कि उन्हें शायद कुछ लक्षण हैं, उन्होंने खुद को दूसरों से अलग कर लिया था और अब उनकी जांच रिपोर्ट भी इस बात की तस्दीक कर रही है कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। इससे पहले आपने देखा उत्तर प्रदेश के ही एक और नेता अखिलेश यादव, उन्होंने बताया कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अब राज्य के मुख्यमंत्री ने भी ये बताया कि उनको कोरोना हो गया है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं आदित्यनाथ, उनको लक्षण क्या क्या हैं, किस आधार पर उन्होंने ये तय किया था कि उनको ज़रूर टेस्ट कराना चाहिए और जब अब टेस्ट के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि उन्हें कोरोना है तो वो घर पर ही इलाज कराएंगे या उन्हें कहीं एडमिट किया जाएगा, इस बारे में जाहिर है आपके जहन में भी सवाल उमड़ घुमड़ रहे होंगे। हम जल्द ही इस बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राजनेताओं का भी कोरोना पॉजिटिव आना, कोरोना का यूं लगातार फैलते जाना, 184,000 केस एक दिन में आना, अब 2 लाख बहुत दूर दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे में हर कोई घबराया हुआ है, ये जानना चाहता है कि कब ये हालात बदलेंगे। लग रहा था पिछले साल कि कोरोना का संकट अब चलता जा रहा है, धीरे 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 करके कोरोना अब विदा हो जाएगा, लेकिन अब जिस तरीके से ये दूसरी लहर आई है और उसने पहली लहर को खुद से छोटा बता दिया है, उससे ये लगने लगा है कि कोरोना क्या इस दुनिया से कभी विदा होगा भी, या बीच में कुछ अंतराल आएंगे और उसके बाद इसी तरीके से ये लहरें आती रहेंगी। और योगी आदित्यनाथ की टीम में कई ऑफिसर्स भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मनीष यादव इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। मनीष, क्या है पूरा ब्यौरा? देखिए दिनेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि लोकभवन के पांचवें तल पर बैठते हैं, उनके स्टाफ के कई सारे अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए थे, इसमें एसपी गुहेरा से कौशिक सहित तमाम लोग थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल खुद को आइसोलेट करने की जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी थी और आज योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। हालांकि अब वो घर पर रहेंगे या फिर किसी अस्पताल में एडमिट होंगे, ये जानकारी अभी तक साफ नहीं है। इनके अलावा नेता जो विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसके मुखिया अखिलेश यादव भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल सहयोगी आशुतोष टंडन, उनकी भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कई सारे अफसर जिसमें 3 जिलों के डीएम और 1 दर्जन आईएएस अफसर शामिल है, वो भी अब तक कोरोना की चपेट में आ गए हैं। तो लगातार कोरोना का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो गुजरात से जो फेफड़ों के रेमडेसिविर इंजेक्शन होता है उसके लिए चार्टर प्लेन भेजा था, करीब 25,000 की खेप आ रही है। तो लगातार अपनी ओर से वो कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ में भी बेड बढ़ाए जाने को लेकर कुछ और प्राइवेट अस्पतालों को टेक ओवर करके उन्हें कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में तब्दील करने की वर्चुअल माध्यम से उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए थे। तो कोशिश लगातार जा रही है, लेकिन जिस हिसाब से प्रकोप देखने को मिल रहा है तो इंतजाम नाकाफी होते हुए। मनीष यादव, शुक्रिया आपका, आगे भी आपसे ब्यौरा लेते रहेंगे। और ये है वो ट्वीट जिसमें उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि रिपोर्ट आ गई है और उसमें वो पॉजिटिव पाए गए हैं।